MIUI 12 क्या हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये अपडेट हमें देखने को मिल जाता है POCO F1 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि MIUI 11.0.9 का एक ग्लोबल अपडेट आया है जो कि इंडियन यूजर्स और ग्लोबल यूजर्स को देखने को मिला है, जो कि 157 MB के आसपास का है। बट मुझे ये फुल पैकेज का अपडेट दिखाया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कस्टम रूम पे था, तो फास्ट बूट करके अभी आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल प्रोवाइड करने के लिए। तो मैंने 2 GB का पैकेज यहाँ पे लगा है। तो अगर आपको भी फुल पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई अपडेट मत करना, क्योंकि OTA और फुल पैकेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। रही बात कि चेंजिंग क्या की गई है, क्या कुछ इम्प्रूव किया गया है, ऐसे तो हमें MIUI 12 मिलना चाहिए था बट मिला नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है। तो चेंजों के ऊपर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो आपको नज़र आता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो कि जून का दिया गया है, ना कि जुलाई का। वहीं पे इंक्रीज किया गया है सिस्टम सिक्योरिटी को। अच्छा बात है भाई, सही है, अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं क्या है। तो बैक आते हैं तो अपडेट है स्टेबल का जो कि जुलाई को देखने को मिला है और प्रोवाइड किया जा रहा है सिक्योरिटी पैच जून का। क्या बात है भाई, क्लैप्स हो जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के ऊपर, क्या किया गया है। तो मैं आ जाता हूँ अभी गैलरी के ऊपर। सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि मैंने फास्ट बूट किया है आपको डिटेल प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए भाई एक लाइक जरूर कर देना। अरे हट जा भाई, अरे हट जा, अभी दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये हट गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो ये जो Antutu का स्कोर है इस अपडेट से पहले का है जो कि 3.2.1.2.5.6 का है, ठीक है, ओके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अभी का फिलहाल का Antutu का स्कोर है जो कि अपडेट करके फ़ोन को करीब करीब मैंने 20 मिनट तक ऑफ रखा है ताकि ये कूल डाउन हो जाए, उसके बाद मैंने इसे रन किया है। तो टोटल स्कोर मुझे मिला है 3.1.4.0.3.5 का, यानी मैंने 2 GB का डेटा बर्बाद कर दिया अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउन करने के लिए। और इतना ही नहीं, इसको रन कर देने के बाद मेरा कैमरा ओवरहीट बताने लग गया कि फ़ोन गर्म हो गया, यानी Antutu को ही रन करने के बाद भाई फ़ोन हीट हो रहा है। वो अभी मैंने 20 मिनट के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि MI का जो ब्राउजर है इसका आइकन चेंज हो गया है। बस एक छोटा सा अपडेट प्रोवाइड किया गया है जबकि हमें MIUI 12 का मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है जो कि भाई फ्लेक्सिबल लेवल की किलिंग को अलग लेवल पे लेके गया है। बट भाई अभी तक है जो हमें MIUI 12 का अपडेट नहीं मिला है। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट के बारे में, आप ज़रूर मुझे बताना। और रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप किसी कस्टम रूम पे हो तो इस अपडेट को करने के लिए आप स्विच मत कर जाना MIUI के अपडेट के ऊपर, क्योंकि भाई बिल्कुल ये बेकार सा घटिया सा अपडेट है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल जाएगा और आपके जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी। और यहाँ पे बस ये आइकन है ना, ये चेंज हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आई है, मेरा गुस्सा आपको सही लगा है तो लाइक करना, और इसी तरह के अपडेट से रिगार्डिंग अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।